अभी एसी की वायरिंग करने के लिए आए अपन, जो है पूरे स्पेयर पार्ट्स वगैरह ला लिए, यहाँ पर जो है कनेक्टर ला लिया, हमें कॉन्ट्रेक्टर भी ला लिया और VSP3 जो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है वो ला लिया। तो इसका जो है पहले प्रिवेंटर चेक करने वाला हूँ मैं। वायरिंग जो है खाली यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लिया इसको, और जो जो है वायरिंग अपन यहाँ पे देने वाले हैं कॉन्ट्रेक्टर में। तो पहले कॉन्ट्रेक्टर निकाल देंगे, कनेक्टर निकाल देंगे। कनेक्टर तो हो गया, पूरा निकल ही गया समझो। तो ऐसे ही कुछ हालत हो गई थी कनेक्टर की, तो अपन क्या है इसे और थोड़ा बड़ा कनेक्टर ला लिए, ऐसा वाला जो ये 35 AM का कुछ तो भी है कनेक्टर। तो बहरहाल अब ये कनेक्शन वगैरह करने वाला हूँ मैं। तो वायरिंग एक बार बता देता हूँ कहाँ पे क्या लगने वाला है। वैसे तो अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किधर लगाना है क्या है, अपन सिंगल वन मैन है समझो। तो बहरहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले 3 फेज और न्यूट्रल लग जाता ये कनेक्टर के अंदर। कनेक्टर अपना जो है यहाँ पे ऐसा आ जाता, यहाँ से यहाँ तक, राइट। ऐसा आने के बाद में सबसे पहले जो है अपने को 3 फेज और न्यूट्रल आया था। 3 फेज न्यूट्रल आने के बाद में फिर या तो कंप्रेसर का जो है आउटपुट यहाँ से देता हूँ, नहीं बोले तो डायरेक्ट जो है नीचे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। मतलब आउटपुट यहाँ पे ला के कनेक्टर में देके फिर कनेक्टर से नीचे, दो तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट दे दिए तो भी चलता या फिर कनेक्टर में देके नीचे दिए तो भी चलता। उसके बाद में जो है इंडोर का जो फेस न्यूट्रल अर्थिंग वगैरह है ना वो लगा दो, फेस न्यूट्रल अर्थिंग CP वगैरह लगाए के बाद में फिर HP LP देखेंगे अब कहाँ पर कितना एडजस्टमेंट हो सकता क्या है। तो पहले जो है कनेक्टर तो हैंग कर देता हूँ मैं यहाँ पर, कनेक्टर लगाने के बाद में फिर देखेंगे मसला। और ये जो है कॉन्ट्रेक्टर भी निकाल देना है, पुराना वाला जल गया अपने को, नया वाला डालना है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रेक्टर भी फिट कर लेता हूँ, फिट करने के बाद वायरिंग करते वक्त देखेंगे फिर। अब यहाँ पे अपना कनेक्टर बैठ गया और साथ में जो है कॉन्ट्रेक्टर बैठ गया, VSP3 की वायरिंग भी हो गई। अब वायरिंग यहाँ पे कैसा करा मैं देख लो एक बार। RYB 3 फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब 3 फेज अपन कहाँ कहाँ दिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं। RYB ये 3 फेज ला के अपन कॉन्ट्रेक्टर में L1 L2 L3 में दे दिए। इनपुट है ये कॉन्ट्रेक्टर का, जैसे अपना MCB में पावर आता, MCB ऑन करते कि यहाँ से पावर आके ऊपर आके रुके हुआ रहता। और साथ ही साथ में जो है मैं न्यूट्रल यहाँ से नीचे से लेके A1 में लगा दिया ऊपर में, तो अपने कॉन्ट्रेक्टर को न्यूट्रल मिल गया और 3 फेज मिल गया। और साथ ही साथ में जो है इसी इनपुट में 3 फेज में मैं यहाँ का जो है L1 L2 L3 कनेक्ट कर दिया RYB जो कि स्कैनर का अपने को 3 फेज का। और उसके साथ में जो है स्कैनर का कनेक्शन हो गया अपने को, कॉन्ट्रेक्टर का इनपुट में पावर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं R का R में लगाया, Y का Y में, B का B में लगा दिया। तो नीचे में जो है येल्लो फेज से एक येल्लो वायर यहाँ पे दिया और ये जो है ब्लैक वायर भी एक छोड़ा मैं। अब ये क्यों छोड़ा बोले तो ये इंडोर के कनेक्टर को लगाने का है, इंडोर को ऑन करने के लिए येल्लो फेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे फेस। फिर ये जो है अपना ब्लैक न्यूट्रल है, तो ये फेस न्यूट्रल से इंडोर ऑन होता अपना। इसकी एक बार वायरिंग लगा लेता हूँ मैं फेस न्यूट्रल लगाने के बाद में, फिर स्कैनर की और ये जो है कंप्रेसर की वायरिंग देखेंगे अपन। और साथ में जो है कंडेंसर फैन भी लगाने का है अपने को, देखेंगे ज़रा वायर थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, एक बार लगा देता हूँ पहले एक बार कनेक्शन ना पूरे, उसके बाद देखेंगे। तो अब यहाँ पे इंडोर की वायरिंग भी हो गई अपनी, फेस न्यूट्रल जो है इंडोर को मिल गया। अब इंडोर का जो CP आता ना वो आने के बाद में ये अपना HP LP को देके फिर स्कैनर को देके कॉन्ट्रेक्टर में लगाना है। तो यहाँ पे जो है फेस 3 फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया, साथ में जो है इंडोर के साथ फेस और न्यूट्रल लगा दिया। और वही न्यूट्रल में जो है लूपिंग ये जो है वायर मार के वहीं एक वायर जो है न्यूट्रल कंडेंसर फैन को दे दिया, जो अपना आउटडोर का फैन रहता ना उसको न्यूट्रल दे दिया। अब इसको फेस होने का है अपने को और कंप्रेसर के 3 फेज होना है। अब 3 फेज जो है कंप्रेसर को यहीं से आता अपने को, 3 फेज आके यहाँ लग जाता। ये 3 फेज में से एक फेज जो है मैं कंडेंसर मोटर को भी दे देता हूँ इन 3 फेज में से ही। अब यहाँ पे अपने क्या हो जाता, या जो 3 फेज आया वो सीधा आके कंप्रेसर को चले आता, और साथ में जो है और एक एक फेस इन तीनों में से एक फेस जो है मोटर को चले आता। मोटर का ना ऑलरेडी न्यूट्रल है, फेस मिलते कि जो है मोटर ऑन हो जाती अपनी, ऐसा अपना आउटडोर चलना शुरू हो जाता। बहरहाल अब जो है पूरी वायरिंग एक बार पूरी कंप्लीट कर देता हूँ, कंप्लीट करने के बाद में देखेंगे फिर। यहाँ पे CP की वायरिंग जो है कनेक्ट कर दिया हमें सीरीज़ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेस और न्यूट्रल से इंडोर ऑन होता, इंडोर ऑन होने के बाद में आउटपुट देता येल्लो वायर में। आउटपुट आने के बाद में ये वायर से जो है नीचे जाता अपने को, जाके स्विच को जाता। ये जो है अपने को HP LP का स्विच है, ये स्विच जो है अपने गैस वगैरह चेक कर लेगा, फिर आउटपुट देता। आउटपुट देने के बाद में इसके रिले से जो है एक वायर आके यहाँ पे 18 में कनेक्ट हो रहा अपने को ऊपर। 18 में कनेक्ट होने का ये स्कैनर का काम रहता अपने को 3 फेज सब चेक कर लेना, 3 फेज पूरा होके रहा। तो ये 15 से जो है 18 में जो पावर आया, यही जो CP का वायर है, CP का जो फेस है वो नीचे जाके जो ऊपर आया 18 में, ये जो है सोबो के रहा तो ने 15 में देता। 15 में से आगे जो है सीधा A2 में लग गया अपने को। A2 में जो है अपने को फेस लग रहा अभी है,
न्यूट्रल जो है ऑलरेडी ऊपर A1 में है, जो कि यहाँ नीचे से आ रहा अपने को मेन जो है कनेक्टर से। तो यहाँ पे फेस और न्यूट्रल मिलते ही कॉन्टेक्टर अपना प्रेस हो जाता, प्रेस होते ही ऊपर का जो पावर रुके हुआ है वो नीचे आके अपने कंप्रेसर को भी जाता, साथ में फैन मोटर को भी जाता। तो यहाँ पे जो है कंप्रेसर का और फैन मोटर का कनेक्शन करना है खाली, बस उसके बाद में जो है फाइनली फुल वायरिंग हो जाती है। अब यहाँ पे खाली जो है 3 फेस लगाना बाकी रहेगा, बाकी की जो है वायरिंग कंप्लीट हो गई। कॉन्टेक्टर का जो है आउटपुट में जो है 3 फेस कनेक्ट कर दिया भाई, RYB वो जो है अपने को आके या नीचे कनेक्टर में हो रहा, यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा RYB 3 फेस कनेक्ट होने के बाद। साथ ही में जो है मैं येल्लो फेस से यहाँ पे जो है इसके कंडेंसर फैन के लिए फेस दे दिया, पहले से अपने को न्यूट्रल था फेस भी दे दिया। अब कंडेंसर फैन को फेस और न्यूट्रल मिल गया, जैसा कॉन्टेक्टर प्रेसिंग अपना कंप्रेसर के साथ साथ फैन भी ऑन हो जाता। अब यहाँ पे जो है मैं येल्लो फेस ही यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो है येल्लो फेस इंडोर के लिए भी यूज़ करा, येल्लो फेस जो है आउटडोर की मोटर के लिए भी यूज़ करा, येल्लो फेस HP-LP को सीरीज करने के लिए भी यही एक ही फेस यूज़ करा। तो कभी भी जो है 3 फेस अपन काम कर रहे बोले तो एक ही फेस में पूरा सब काम करना समझो, HP-LP SPPR को और जो है कंडेंसर फैन को। तो 2 फेस यहाँ दे दिए समझो, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया बोले तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता, इसलिए बोल के जो है एक ही फेस पे चलाना है पूरा। तो यहाँ पे कंप्रेसर के भी जो है 3 फेस वायरिंग लगा दिया है यहाँ पे मैं, RYB जो है ऑलरेडी पहले से स्टिकर पे लिखे हुआ था सो, तो जहाँ पे R था वहाँ पे R लगा दिया, जहाँ पे वही था वही लगा दिया, B की जगह B लगा दिया। वायरिंग तो अपनी जो है कंप्लीट हो गई 3 फेस वगैरह की। अब जो है कंप्रेसर ऑन करे के बाद में अगर कंप्रेसर कुछ भी उल्टा सीधा फिरा बोले तो फिर जब देखेंगे उल्टा फिरा बोले तो फिर फेस चेंज करना पड़ता है, जब जो यहाँ पे फेस चेंज करेंगे अपन। फिर वक्त जो है वायर भी छिल लिया, वायर भी डाल लिया, यहाँ पे जो है 3 फेस कनेक्ट करना है, 3 फेस और न्यूट्रल, 3 फेस और न्यूट्रल कनेक्ट करते ही पावर सप्लाई जो है चालू करके चेक करना है समझो। अब यहाँ पे जो है पावर सप्लाई बंद है अपना, बंद रख के काम कर रहा हूँ ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग फिर परेशान हो जाएंगे, इसलिए बोल के कभी भी जो है कौन सा भी मशीन पे काम करो पावर सप्लाई जो है ऑफ करके काम करना है। अब यहाँ पे इंडोर वगैरह का तो कनेक्शन हो गया, अर्थिंग भी जो है यहीं पे ऐसा बॉडी को कहीं तो भी लगा देते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे एक बार। वायरिंग तो पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ, लास्ट वायर बचा हुआ है समझो एक लगाने का है खाली। अब यहाँ पे अपनी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ पे जो है 3 फेस लग गया RYB, उसके साथ में न्यूट्रल लग गया। 3 फेस और न्यूट्रल लगते कि जो है ये 3 फेस अपने को यहाँ पे ऊपर आके जो है इनपुट में कनेक्ट हो रहा कॉन्टेक्टर के साथ ही साथ में जो है स्कैनर का 3 फेस भी इसमें ही कनेक्ट हो रहा, ताकि जो है जैसा अपना पावर ऑन होता ऑन होती कि जो है इन्हें 3 फेस को स्कैन कर लेना और जो है ऊपर आके जो पावर है 3 फेस वो रुके हुआ रहना। और साथ ही साथ में जो है कॉन्टेक्टर के यहाँ पे एक साइड में न्यूट्रल लगा दिया भाई, खत्म। 3 फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया, स्कैनर को भी वायरिंग चले गई। उसके बाद में यहीं पर नीचे आएंगे अपन, नीचे आने के बाद में येल्लो फेस से जो है एक फेस में इंडोर के लिए दिया, जो कि रेड वायर से जो है अपने इंडोर को जा रहा। उसके साथ ही में जो है ब्लैक वायर से जो है न्यूट्रल दिया, जो कि इंडोर को जा रहा ब्लू वायर से। फेस और न्यूट्रल इंडोर को चले गया, इंडोर जो है अपना ऑन हो गया फेस और न्यूट्रल से। इंडोर ऑन होने के बाद में इंडोर पूरा ओके रहा तो इन्हें आउटपुट देता येल्लो वायर से, येल्लो वायर से जो है कंट्रोल फेस आके अपने को यहाँ पे कनेक्ट होता 12 नंबर वाले में। इन्हें जो है अपने को HP-LP को कनेक्ट होता सीरीज में, ये CP जो आके डायरेक्ट कॉन्टेक्टर को नहीं आता, पहले जो है यहाँ HP को जाता, HP-LP को जाके फिर रिटर्न आता गैस ओके रहे तो। गैस ओके रहने के बाद रिटर्न आने के बाद में 18 में कनेक्ट होता है, 18 में कनेक्ट होने के बाद में 3 फेस जब अपना ओके रहा तो इन्हें 15 से जो है आउटपुट देता कॉन्टेक्टर को प्रेस करने के लिए, जो कि ये वायर से जा रहा अपने को कॉन्टेक्टर के A2 में। ऑलरेडी न्यूट्रल यहाँ पे रुके हुआ था, A2 में से जो है फेस आके मिला, फेस और न्यूट्रल मिलते कि ये कॉन्टेक्टर अपने को प्रेस होता, प्रेस होती कि ऊपर में जो है 3 फेस जो रुके हुआ है वो नीचे आता, नीचे आके ये 3 फेस जो है सीधा कंप्रेसर को चले आता यहाँ पे। और साथ ही साथ में जो है एक फेस यही 3 फेस में से जो आउटपुट में से आ रहा, यहाँ पे देख सकते हैं येल्लो वायर, ये जो है कंडेंसर फैन के लिए चले आता, ये रेड वायर से कंडेंसर फैन को फेस चले गया। और न्यूट्रल जो है यहीं से स्टार्टिंग में अपन कनेक्शन दे दिए न्यूट्रल का, ये जो है ब्लू वायर में न्यूट्रल लगे हुआ है यहाँ पे, 9 को जो है 4 से लूप है ब्लैक कलर का वायर, तो यही वायर से जो है न्यूट्रल अपने इंडोर को भी जा रहा है। तो आउटडोर की कंडेंसर मोटर जो है ऑन हो गई, कंप्रेसर भी ऑन हो गया, बहरहाल अब वायरिंग कंप्लीट हो गई। एक बार ऑन करके अपन चेक कर लेंगे कुछ भी फेस चेंज है क्या है क्या नहीं, सो ऑन करने पे जो है पूरा कंफर्म हो जाता अपनी वायरिंग ओके रही तो। अब इसका पावर जो है मैं ऑन कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनर में लाइट आ रही। और एक बात मैं बताना भूल गया, जब वायरिंग अपनी कंप्लीट होती ना, पावर चालू करने से पहले पूरे वायर जो है खींच के चेक कर लेना, पूरे वायर जो है सही से कनेक्ट हुए नहीं हुए क्या है, तो पूरे वायर जो है सही से चेक कर लेने के बाद में उसके बाद में पावर चालू करना। यहाँ पे जो है अपन पूरी वायरिंग चेक कर लिया, वायर जो है कुछ भी लूज़ नहीं है, पूरे वायरिंग वगैरह चेक कर लेने के बाद में, बहरहाल अपन तो पूरी वायरिंग चेक कर लिए, एक बार कॉन्टेक्टर प्रेस करता हूँ। बिस्मिल्लाह राइट, कंप्रेसर ऑन हो गया अपना, फैन भी जो है बराबर फिर रहा। अब जो है इंडोर से ऑन होने देंगे, अब अपना इंडोर तो ऑन हो गया, इंडोर ऑन होने के बाद में जब आउटडोर को ऑन करता ना, जब चेक करेंगे क्या है मसला इसका।
वेट करेंगे थोड़ी देर, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 मिनट लगेंगे इंडोर से जो है सीपी आने के लिए, आउटपुट आने के लिए। आउटपुट आने के बाद में जो है अपना कॉन्टैक्टर प्रेस हो जाता, नॉर्मली जो है मशीन काम करना शुरू करता। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता वायरिंग, जब तक जो है मैं चेक कर लिया कॉन्टैक्टर भी जो है सही काम कर रहा, पावर भी जो है अपना सही से नीचे आ रहा। और एक चीज़ यहाँ पे जो है कॉन्टैक्टर अपने को ये एनसी वाला है, बहुत सारे भाई लोग जो है ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई रेड फेस से जो है अपने को यहीं पे जो है फेस देके नीचे से जो है फैन को दे सकते हैं ना अलग से, ऐसा नीचे से लूप कहीं को दिए बोल के। तो इसकी वजह यही है, देखो भाई ये जो है कॉन्टैक्टर अपने को एनसी वाला है। एनसी में क्या रहता अपने को, जैसा 3 फेस यहाँ पे अपने कॉन्टैक्टर प्रेस होता ना, तो ऊपर का पावर जो नीचे आ रहा वो बंद हो जाता एनसी के अंदर। कॉन्टैक्टर प्रेस होने के बाद में जो पावर ऊपर से नीचे आ रहा था वो बंद हो जाता। नॉर्मली जो है अपने को जब एसी ऐसा बंद है ना, बंद रहे वक्त ऊपर का पावर नीचे आते रहता। तो ये क्या है, हीटर वगैरह जो कनेक्शन रहता ना यहाँ पे 3 फेस के, इसको कंप्रेसर को वो हीटर वगैरह कनेक्ट करते समझो इसके अंदर, ताकि जो अपना कंप्रेसर रनिंग जब होता तो हीटर ऑफ हो जाना, और जो है जैसा अपना कंप्रेसर बंद हो गया जब हीटर चालू होना बोल के एनसी लगाते। पहले जो इसमें कॉन्टैक्टर था वो एनओ वाला था, यहाँ पे देख सकते हैं ये एनओ वाला कॉन्टैक्टर है, 3 फेज के साथ में एनओ था। अब एनओ कई को रहता अपने को, यही फैन मोटर कंडेंसर फैन को ऑन करने के लिए रहता। तो यहाँ पे लेकिन पहले भी जो है एनओ में कुछ भी कनेक्शन रहता, यही 3 फेज के साथ नीचे जो है एक वायर एक्स्ट्रा में लगा दिए थे कंडेंसर फैन को ऑन करने के लिए। बहरहाल देखेंगे अब थोड़ी देर तक, जैसा ऑन हुआ उसके बाद में जो है बता देते हूँ एक बार। अपना आउटडोर जो है नॉर्मली ऑन हो गया सीपी आके, तो यहाँ पे देख सकते ये रिटर्न भी अपने को 60 ऐसा आ रहा। तो ये जो है अपने को 822 गैस का मशीन है, यहाँ पे लिखे हुआ है देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट 822 बोल के। तो बहरहाल ऐसा कुछ था समझो आज का वीडियो। वायरिंग वोरी अपन जो है कंप्लीट करें, कॉन्टैक्टर चेंज करें, कनेक्टर चेंज करें, स्कैनर जो है वही रहने दिया, स्कैनर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था इसके अंदर। तो बहरहाल वायरिंग वगैरह कम्प्लीट हो गई, और जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा वायरिंग वगैरह। अगर किसी को कुछ भी डाउट बाकी रह गया कौन सी भी वायरिंग का, तो कमेंट करके ज़रूर से बोलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।